अब मैंने आपसे क्या कहा कि बड़े आदमी की ये समस्या, ये बड़े हैं इस मंच के, मैंने पहले बता दिया कि मंच के सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़े आदमी को ये पता ही नहीं रहता, और बड़े आदमी के नेतृत्व में जो जितने छोटे होते हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो, इनको यही पता नहीं कि इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो, यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, हाथ खड़ा करने के चक्कर में लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया भी नहीं दिया, तो मध्य प्रदेश से मामा जी चले गए, राजस्थान से बुआ जी चली गई, छत्तीसगढ़ में काका जी चले गए, झारखंड में फूफा जी चले गए, महाराष्ट्र में मासा जी चले गए, कर दिया हाथ खड़ा, जिधर देखो उधर हाथ ही हाथ दिख रहा है, इसलिए हाथ के नाम मतलब भोगट की बात, तो जानी मेरा की अपने को हाथ यहाँ खड़ा करना वही करना, व्यापारी लोग यार जैन समाज का कवि सम्मेलन और आप कह रहे हो हाथ खड़े करो, जैन समाज का आदमी ये जानता है कि हाथ कहाँ पे खड़े करने, 5 लाख रुपए उधार ले लो, कर दिया हाथ खड़े, खत्म खेल, क्या मतलब हाथ खड़े करो, जहाँ करना वहां करेंगे, खड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भंवरे ने तितली से कहा, भंवरे ने मुमताज जी आप देखिए, हालांकि आप भंवरे के बारे में ज्यादा जानते नहीं, सुनेगा आप, वो सुदीप बोला बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बोले मेरे सपने में मुमताज आ गई और बगैर मेकअप के आ गई, अरे पागल सुदीप तेरे को ये तो सपना मैं ओरिजिनल सुना रहा, दिन में आज 2 बजे शशि भाई का मेरे पास में फोन आया, मैं रात को अहमदाबाद के पास एक कवि सम्मेलन में था, सोया हुआ था, इनका फोन बजा, अरे बोले यार जानी बेरा की स्थिति संभाल, बहन का क्या हुआ, बोले तेरे गाँव के आस पास के लड़के, ये क्या हुआ कि सुदीप भाई विनीत भैया प्रवीण भाई इन तीनों की इंडिगो की फ्लाइट से ये दिल्ली 5 बजे उतरे, शशिकांत जी और मुमताज जी पहले आ गए, शशिकांत ने कहा बोले चलो मैं तुमको जो महावीर की रेबड़ी है रबड़ी वो वहाँ चौराहे पे बनती है शानदार खिला के लाता हूँ, बगैर मेकअप का मामला देखना, झूठ बोलो तो कसम से, मेरा क्या मतलब झूठ बोलने से, जो बात है वो बात, भगवान के आश्रम में अपन गुरुदेव के बीच में क्या अपन झूठ बोलेंगे नहीं बोले, तो ये शशिकांत जी और ये चले गए वहाँ चौराहे पे घूमने के लिए, बगैर मेकअप का मामला था, तो गांवड़े के 3-4 सापे धोती वाले लोगों ने मुमताज जी को देखा और उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने इनको पकड़ लिया, अरे बोला तुम बार बार ऐसी नाटक करो, तुम्हारा मैं बात ये थी कि 3 किलो रजे एक गोदड़ा में भरांगा, हमें आधा किलो रजे कम कर दिए, अरे बोले क्या हुआ, अरे बोला यार भाई साहब यार रजे की बात हुई थी अपने, उनको ये पता नहीं, वो ये समझेगा अपना जो गनी भाई की मुमताज है नहीं, यहाँ गोदड़ा भरवा रहे मुमताज है, तो मेकअप तो थोड़ी नहीं, अरे बोले ऐसा बार बार करते हो, बोले कई बार, बोले पिछली बार भी हमारे 4 गोदड़ा भराया तो हमारी बात भी थी कि 1 गोदड़ा में 6 किलो रोज ही रहेगा, पर हमारे 500 ग्राम रुई वहां भी कम कर ली, बार बार असर काट पीट नहीं चलेगा, माथे आ गए, दोनों फोन लगा, बोला अरे जानी समझा ये कोई गांव के लोग, मैंने उन गांव के लोगों को कहा, मैंने कहा देखो बाद साहब आप समझ नहीं रहा या दूसरी बहन है, अरे बोले वाह के वाह है, जैसे ही पैसा देवा मौका आवे बदल जाए, ये तो अनाक आदत में है, ऐसा हो जाता है कई बार, समझ नहीं सी बात कंफ्यूज, हालांकि आपको समझ में नहीं आ रही, इनके तो गोदड़ों भी समझ में नहीं आ रही हो, बाकी गोदड़ा से काम पड़ता है भगवान की दया से, ठंड में तो पड़े, ठंड में नहीं पड़े तो कहीं पड़ेगा ऐसा थोड़ी, मुमताज जी इसका मतलब क्या गोदड़े से काम नहीं पड़े, आप शायद गोदड़े के बारे में, ये अमेरिका की एक बहुत ऊंची चीज है गोदड़ा, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को बहुत संकट है सर, ये इसको गफलत बोलते हैं, गफलत जैसे गफलत अभी कहीं चल रही मालूम देश में, हाँ। अभी सबसे बड़ी गफलत कहीं चल रही, वो कौन सा चल रहा, सीए और एनआरसी, ये एनआरसी और सीए जो कह रहे ना कि बसों पे पत्थर फेंक रहे और सरकारी संपत्ति को जला रहे, ट्रेन पे पत्थर, ये क्या है, ये गफलत है, उनके जानकारी नहीं, और अब उनकी भी गलती नहीं बेचारा की विनील भैया, उनकी समस्या ये है कि हालांकि ये फिर नहीं समझेंगे, आप समझ जाएंगे, देखो वो कह रहे हैं कि एनआरसी मतलब वो कागजात लाओ, अब उनके यहाँ थोड़े मालूम यार गुमठी का कागजात थोड़ी रखे, अब इन लोगों ने गुमटियां फंसा रखी जगह जगह, तो कागज लाए कहां से यार, मैं बात समझ में आई तो जरा आप बता दो पीछे वाले, बात आप अभी मेरी बात सुनो, अपन राजगढ़ में रहते हैं,
श्री माया होटल, महावीर होटल या जितना राजगढ़ का जितना भी बस स्टैंड है या दुनिया की हिंदुस्तान की बड़ी होटल फाइव स्टार होटल ओबेराय हुआ, फाइव ताज हुई, जो भी है, उन लोगों के पास तो भाई कागजे हैं कि नहीं बराबर, स्क्वेयर फीट इतनी स्क्वेयर फीट और ये लो ये साहब आपके कागज और हमने फलानी जगह रजिस्ट्री करे। अब जो बड़ी होटलें होती वहां अक्सर आप देखना थोड़ी सी जगह मिली कि एक ही काम बोले घुमटी फंसे ही दो यहाँ। अब ये घुमटी जो फंसा रखी है वो ना, तो घुमटी ऊपर आग लाती बाप का बेटा बेटा, अब घुमटी के कागज कहाँ से लाए, क्योंकि घुमटी के कागज बनते नहीं है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मनुष्य की जो संरचना भगवान बनाता है, ईश्वर पंच तत्व देह शरीरा भूजल पावक गगन समीरा पांच तत्व से मिलकर के जो शरीर बनता है, आप शरीर को देखो आप मेरे शरीर को देखो बहुत मजा आएगा। हालांकि मैं ज्यादा देर मजे इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा काम बहुत कम देर का था, क्योंकि अपने को विनीत भैया को सुनना है, देश के बड़े कवि हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी सामान्य सी बातें ये बता रहे थे। सुदीप भैया बोले यार इतने सारे लोग सुनने के लिए आ गए। सुदीप भाई ऐसा नहीं, हमारे मालवे में तो इतने लोग क्या मेरी बात सुनो, अगर मान लो कहीं चौराहे पे हालैंड चले, नहीं हालैंड 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 ये सुदीप को नहीं पता हालैंड। अब सुदीप की समस्या ये कि हालैंड नहीं समझता वो संजय खत्री को पता है हाँ वो हालैंड का मतलब इसको मालूम नहीं, और हमारे यहाँ क्या किया इतने लोग हैं इतनी कड़ाके की ठंड, आप कह रहे हो कि ठंड में ताली नहीं बजे। मैं दावे से कह रहा कि अगर यहाँ बस स्टैंड पे चौराहे पे मेला मैदान में कहीं भी अगर एक हालैंड चले किसी के निजी खेत में तो वहां 150 जने वहां चले जाएंगे, और फोकट में बोले दो राड और जान दे दो राड जान दे अब राड तो समझ गया भाई राड कौन नहीं समझता है। यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाती है, नगर पालिका वाला मान लो अगर जीसी भी चले ना जीसी भी, वहां 25 जने इकट्ठे हो जाएंगे बीड़ी पीते हुए, और उस जीसी भी वाले ड्राइवर को राय देगा बोले जय हुंड की, कहते सुंड की नहीं कहे हुंड की हुंड की, अरे भाई साहब हुंड की लागी जा कहीं जान तो आदमी के। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।